दोस्तों, अगर आप भी अपने फोन में YouTube को इस्तेमाल करते हो तो YouTube के कुछ कमाल के सेटिंग के बारे में आप सभी लोगों को पता होना ही चाहिए, जिसकी मदद से आप अपने फोन की बैटरी को भी बचा सकते हो, प्लस आप अपने YouTube को और भी कमाल के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप भी YouTube के कमाल के सेटिंग के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है और एंड तक कंटिन्यू देखते रहना है। जो YouTube का पहला सेटिंग है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप YouTube को ओपन करते हो और यहाँ पर आपका इंटरनेट चालू रहता है, तो आप किसी भी वीडियो को ऊपर की तरफ अगर स्लाइड करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका वीडियो जो है ऑटोमेटिक ही प्ले हो जाता है। आपने प्ले नहीं किया है, आप तो अभी सिर्फ देख ही रहे हो कि मैं कौन सा वीडियो यहाँ पे देखूं। उसके पहले ही क्या होता है कि यहाँ पे सारे वीडियोस प्ले होने लगते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका इंटरनेट डाटा भी जल्दी खत्म हो जाता है, प्लस के फोन की बैटरी भी ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो आपको क्या करना है, इस सेटिंग को बंद करना होगा, जिससे कि जो वीडियो आप चाहोगे उसी को प्ले करके आप देखो, बाकी के वीडियो यहाँ पे जो प्ले हो जाते हैं वो प्ले ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको फोन के सेटिंग में जाना होगा। जैसे आप फोन के सेटिंग में जाते हो, जर्नल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है प्ले बैक इन फीड्स, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर ऑफ कर देना है। अब यहां से हम बैक कर लेते हैं, हमने ऑफ कर दिया है सेटिंग को। अब यहां पे हम ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे, आप देख सकते हो कोई भी वीडियोस यहां पे प्ले नहीं हो पाएगा। इससे आप अपने फोन की बैटरी को भी बचा सकते हो, प्लस आप अपने इंटरनेट डाटा को भी सेव करके रख सकते हो, यहां पे एक भी वीडियो प्ले नहीं हो पाएगा। दोस्तों, YouTube का जो दूसरे नंबर का सेटिंग है वो भी आपको यहीं पे देखने को मिल दोस्तों YouTube का जो दूसरे नंबर का सेटिंग है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो YouTube पे शॉर्ट्स वीडियो या YouTube पे कार्टून वगैरह ज़्यादा देखते हैं, जिसके वजह से आपका इंटरनेट डाटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको जो मैं सेटिंग बताने जा रहा हूँ, उस सेटिंग को आप अपने फ़ोन में ऑन करके रख दीजिए। जैसे ही आप उस सेटिंग को अपने फ़ोन के अंदर ऑन करके रख देते हो, उसके बाद अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो YouTube पे ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, तभी भी आपका इंटरनेट डाटा ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको सिंपली प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डाटा सेविंग का ऑप्शन मिलता है, जिसे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ से अगर ऑफ है तो आपको ऑन कर देना है। अब आप देखोगे कि एक ही सेटिंग ऑन करने से नीचे यहाँ पे कितने सारे सेटिंग ऑन हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका इंटरनेट डाटा बहुत ज़्यादा यहाँ पे बचता है। तो आपको हमेशा इस सेटिंग को ऑन रखना है, अगर आपके बच्चे या आप यूट्यूब पे वीडियोज देखते हो तो ये सेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ऑन करके जरूर से रख लेना। जो तीसरे नंबर का सेटिंग है उससे आप अपने फ़ोन की बैटरी को लंबे समय तक चला सकते हो। ये सेटिंग आप सभी लोगों को काफ़ी काम में आने वाला है। जैसे कि मान लो आप नाइट में फ़ोन को यूज़ कर रहे हो और आप YouTube पे वीडियोस देखते देखते आप सो गए, और क्या होता है उसके बाद YouTube पे कंटिन्यू वीडियो आपका चलते रहता है जब तक आपका फ़ोन का डाटा ख़त्म ना हो जाए या जब तक आपके फ़ोन स्विच ऑफ ना हो जाए, तब तक आपका YouTube पे वीडियोस प्ले कंटिन्यू चलते ही रहता है। तो जो आपको सेटिंग बताने जा रहा हूं उस सेटिंग को ऑन कर दो। उसके बाद एक वीडियो प्ले होने के बाद दूसरा वीडियो प्ले ही नहीं होगा। जब तक आप उस वीडियो को प्ले नहीं करते हो तब तक दूसरा वीडियो प्ले नहीं हो पाएगा। इससे आप अपने फोन की बैटरी को भी बचा सकते हो, प्लस आप अपने इंटरनेट डाटा को भी बचा सकते हो। उसके लिए सिंपली आप लोगों को प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। अब आप नीचे आओगे तो यहां पर आप लोगों को एक सेटिंग देखने को मिलेगा, यहां पे आपको ऑटो प्ले करके एक सेटिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑन रहता है, सिंपली यहाँ से इसे ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे देखो तो ऑटो प्ले नेक्स्ट वीडियो, ये क्या करता है, जब भी आपका एक वीडियो प्ले होके बंद हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे वीडियो को प्ले कर देता है। अगर आप इसे ऑफ करके रखते हो तो एक वीडियो प्ले होने के बाद दूसरा वीडियो प्ले ही नहीं होगा, तो आपका इंटरनेट डाटा कैसे खत्म होगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आप लोगों को अपने फोन के अंदर ऑन कर लेना चाहिए। YouTube का जो आखिरी नंबर का सेटिंग है वो भी आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप अपने इंटरनेट को बचा सकते हो, प्लस आप जब भी कोई वीडियो डाउनलोड करते हो तो आपका जो ज़्यादा MB यूज़ होता है वो भी आपका बच सकता है। उसके लिए आपको सिंपली प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अब यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप नीचे आओगे देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऊपर की तरफ ही, वीडियो क्वालिटी एंड प्रेफरेंस। इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब
यहाँ पे आपका क्या होता है, नॉर्मली अगर आपने न्यू फोन लिया है तो यहाँ पे हायर पिक्चर क्वालिटी पे सेव रहता है, तो आपको क्या करना है इसे डाटा सेवर पे क्लिक कर देना है, ताकि जब भी आप कोई वीडियो देखो ना यूट्यूब पे तो डाटा सेवर यानी कि लोअर पिक्चर क्वालिटी में दिखाएगा। अब इतना भी नहीं कि आपको समझ में ना आए ऐसा वीडियो क्वालिटी दिखाएगा, ऐसा भी नहीं रहता है, थोड़ा यहाँ पे आपका डाटा सेव करके आपको दिखाएगा। अब उसके नीचे ही मिल जाता है वाईफाई का, अगर वाईफाई पे आप जो भी ऑन रखना चाहो रख सकते हो, क्योंकि वाईफाई आप दूसरे का इस्तेमाल करते हो तो वाईफाई पे आप बिंदास रख सकते हो जो भी आपको रखना है। इससे भी आप अपने इंटरनेट डाटा को बचा सकते हो काफी, यहाँ पे आप इससे क्या कर सकते हो इंटरनेट डाटा को बचा के रख सकते हो। तो ये यूट्यूब के चार सेटिंग को इस्तेमाल करके देखो, उसके बाद आप अपने फोन की बैटरी को भी बचा सकते हो, इंटरनेट डाटा को भी बचा सकते हो, और यूट्यूब को दिन भर इस्तेमाल करो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप सभी लोगों को यूट्यूब की ये सेटिंग पसंद आई तो कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनती लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब करके भी रख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।